कर्नाटक में मिली जीत का जश्न गणपत पाटिल नगर में श्यामलाल यादव और शीतल महात्रे द्वारा मनाया गया। कर्नाटक में मिली बम्पर जीत की खुशी पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल ताशे और मिठाई खिलाकर मनाया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह का जश्न मनाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि कांग्रेस ने भाजपा को एक तरफा हरा दिया है। यूं कहे तो कांग्रेस अपने बलबूते सरकार की स्थापना कर इतिहास रच दिया है। खुशी का इजहार करने के लिए उत्तर मुंबई कांग्रेस के नेता श्यामलाल यादव जी और पूर्व नगर सेविका शीतल मात्रे जी द्वारा गणपत पाटिल नगर दहिसर में ढोल ताशे और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। लगभग 2 किलोमीटर तक ढोल ताशे के साथ पदयात्रा निकाला गया। रास्ते में आने वाले दुकानों पर जा जाकर श्यामलाल यादव जी और शीतल मात्रे जी ने लोगों का मुंह मीठा कराया। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने बजरंग बली की जय का नारा भी लगाया। शीतल जी ने कहा कि जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। इस अवसर पर स्थानीय कार्यकर्ता निहाल अहमद जी, शशिकला पांडे आदि कर। इस वक्त मैं दहिसर के आईसी कॉलोनी में हूँ, जहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है कर्नाटक चुनाव की जीत को लेकर। इस वक्त हमारे साथ में है श्यामलाल यादव जी। श्यामलाल यादव जी, कर्नाटक में जिस तरह से भारी जीत मिली है, उस पर आप क्या कहें? मनोज जी धन्यवाद। आज नफरत की बाजार में मोहब्बत का जीत हुआ है। राहुल गांधी का ये नारा कर्नाटक में कि जनता ने साथ दिया है, और हकीकत में इस दौर में, इस माहौल में, नफरत की बाजार में जो मोहब्बत का जीत हुआ, इसके लिए कर्नाटक की जनता को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज ये दहिसर विधानसभा वार्ड नंबर 1 में हम लोग, हमारे मुंबई की महासचिव शीतल मात्रे जी, हमारी बड़ी बहन शशिकला पांडे जी, निहाल भाई, सजादे भाई, प्रदीप यादव और अपना सजादे भाई, मिराज भाई, आज वार्ड क्रमांक के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी व कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में बहुत ही खुशी का माहौल है कि आज हम लोग कर्नाटक में जो एक शानदार जीत हासिल किया है, आज हम लोग उसी खुशी के माहौल में हम लोग निकले हैं। गणपत पाटिल नगर की तमाम जनता खुश है, खुशहाल है, और एक संदेश यहाँ से कर्नाटक की जनता ने दिया है कि कहीं ना कहीं नफरत वालों को इस हिंदुस्तान की गरीब जनता या आवाम जनता के दिल में जगह नहीं रह गई है। तो राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था, ये लोग उसको फेल करने पे लगे थे, लेकिन कर्नाटक की जनता ने जोरदार चमाटा उन लोग को मारा है। ऐसे नफरत फैलाने वालों लोगों को जीत प्यार की हुई है। और आज मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वार्ड क्रमांक 1 में आने वाले समय में ऐसा ही यहाँ की जनता भी जवाब देगी। और अब बहुत देर नहीं रह गया है, बहुत कम ही समय है, और मैं आज फिर से सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पदाधिकारियों की तरफ से मैं कर्नाटक की जनता को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, हनुमान जी का, बजरंग बली जी का क्या कनेक्शन? आज आपने, अच्छा हुआ आपने बजरंग बली का नाम ले लिया। तो बजरंग बली हम लोग के सबके आराध्य देवता है। बजरंग बली हम सभी के, एक जहाँ जहाँ अन्याय होएगा वहाँ वहाँ आपने बजरंग बली को पाया होगा। और आज कर्नाटक विधानसभा का जो चुनाव था, कर्नाटक शहर का जो चुनाव था, आज वहाँ पे बजरंग बली ने अपने गधे का कमाल बराबर दिखाया है। आपने सुना होगा कि जब कोई संकट में आता है तब बोलता है कि जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। तो आज हकीकत में बजरंग बली ने दुश्मन की नली तोड़ा है, दुश्मन का वहाँ खंगार किया है, और सत्य असत्य को मार करके सत्य का वहाँ पे झंडा गाड़ा है। इसलिए मैंने सभी बजरंग बली के भक्तों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ।
और उन अनुवादियों को बता देना चाहता हूँ कि बजरंग बली और भगवान का नाम का नारा आप लोग गलत जगह लेना बंद करो। भगवान सबके हैं, हमारे हैं और कर्नाटक की तमाम जनता है। बजरंग बली ने न्याय कर दिया इस बार। इनका श्यामलाल जी का कहना है कि बजरंग बली जी ने न्याय कर दिया है। हमारे साथ में शीतल मात्रा जी है, पूर्व नगर सेविका। शीतल मात्रा जी, इसका इसको सेमीफाइनल की तरह देखेंगे 2024। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की लनी। आज कर्नाटक की जनता ने भी दिखा दिया है कि धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर कोई इलेक्शन जीता नहीं जा सकता। अगर इलेक्शन जीता जाता है तो लोगों के मुद्दे पर, लोगों के जो आम समस्या है उन पर इलेक्शन आज कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छे नंबरों से जीती है, तो मुझे लगता है ये एक झांकी है, पिक्चर पूरी बाकी है, ये सिर्फ ट्रेलर है 2024 का, क्योंकि जनता भी जाग चुकी है। यही मैसेज मैं देना चाहती हूँ। मैडम, कुछ लोग कह रहे थे कि खड़गे जी का पहला चुनाव था और पहले चुनाव में ही उन्होंने बाजी मार ली। देखो, कभी भी कोई भी जीत होती है तो वो एक टीम वर्क होता है, लेकिन हकीकत है कि टीम का जो नेता होता है, लीडर होता है, उस पर बहुत ज़्यादा जवाबदारी होती है, अच्छा हो या बुरा हो, और उस पर टेंशन भी ज़्यादा होता है। तो 100% ये कोई गलत नहीं होगा कि खड़गे जी का पहला चुनाव है और पहले चुनाव में उन्होंने दिखा दिया बीजेपी को कि अब ये शुरुआत हो गई है उनके ख़त्म होने की। ये धर्म के नाम पे लोगों में नफरत फैलाने वाले लोगों की हार है, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जो देश में मोहब्बत और सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने की मोहब्बत की जीत हुई है। इसलिए मैं कर्नाटक की जनता को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नफरत फैलवाने वाले लोगों को नकारा है और देश में गंगा जमुनी तहजीब और सद्भाव, सबको एक साथ लेके चलने की तहजीब को जिताया है, कांग्रेस को जिताया। मैं कर्नाटक के सभी भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने कांग्रेस को वोट देके बहुमत से विजय कराए, और इसका श्रेय हमारे राहुल गांधी जी को जा रहा है कि जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाले, उसका रंग कर्नाटक में दिख गया।